हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत सारे लोग सेम सवाल करते हैं और उसमें जो कुछ सवालों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो ये है कि मेरा जो एक्सपोजर था वो एक साल पहले हुआ था और मैंने जो टेस्ट कराया है वो निगेटिव आया है, बट फिर भी मुझे अपने अंदर HIV के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जब एक्सपोजर एक साल पहले हुआ है, टेस्ट भी आपने करा लिया है, वो भी निगेटिव आया है, तो फिर लक्षण कैसे आ सकते हैं? ये सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन की वजह हो सकती है या फिर नॉलेज की कमी। सीधी सी बात यह है कि अगर टेस्ट निगेटिव है यानी नॉन रिएक्टिव आया है आपका, तो आप सेफ हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक साल पहले कॉन्टेक्ट हुआ था, आपने एक साल बाद अपना टेस्ट कराया है, एक साल बाद का टेस्ट वैसे ही कंफर्मेटरी टेस्ट होगा क्योंकि वो एक ही टेस्ट में आपका कंफर्म हो जाएगा, उसमें और कोई टेस्ट आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी आपको सिर्फ एक सिंगल ऑर्डिनरी टेस्ट कराना है जो नॉर्मली हमारी लैब्स में बहुत सस्ता होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो टेस्ट काफी है। उसके अलावा आपको कोई सा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बल्कि टेंशन ना लीजिए, अगर इस तरीके की आपके साथ सिचुएशन है और आपका एक्सपोजर या फिजिकल कॉन्टैक्ट एक साल पहले हुआ था कभी और अब आपको लगता है कि अब मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए, तो सिर्फ एक सिंगल टेस्ट जो नॉर्मली होता है, कहीं कहीं पर 300-350 कहीं 400-500 इसकी रेंज में ये टेस्ट होता है, तो वो करा कर ही आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपको कुछ नहीं है अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो, यानी नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो। तो डोंट वरी, टेंशन ना लें, अगर आपका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव है तो आप सेफ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में HIV रिलेटेड दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।